कहा था इस्लाम झूठ है और कुरान जहर, आज खुद मुसलमान हो गया। योराम वान क्लावेरेन नाम का ये सांसद नीदरलैंड में लंबे समय तक कट्टर इस्लाम विरोधी पीवीवी पार्टी का हिस्सा रहा है। इस्लाम कबूल करने के बाद योराम ने कहा, मेरी पार्टी की पॉलिसी थी जो कुछ भी गलत है उसे किसी न किसी तरीके से इस्लाम से जोड़ दिया जाए। कभी इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां करने में मशहूर योराम ने ये भी कहा कि इस्लाम पर की गई टिप्पणी से वो बेहद शर्मिंदा है। नीदरलैंड के वो अखबार जो कभी सांसद योराम वान क्लावेरेन की इस्लाम विरोधी टिप्पणियों को छाप रहे थे, आज वही अखबार और मीडिया उसी सांसद के इस्लाम कबूल कर लेने की खबरों और तस्वीरों से भरे पड़े हैं। जिसने कभी इस्लाम को दुनिया से मिटा देने की बात कही, आज वही इस्लाम का मुहाफिज बन गया। जिस धर्म को झूठ कहा उसी को अपनाया और जिस कुरान को जहर कहा उसी कुरान पर ईमान लाया। योराम वान क्लावेरेन नीदरलैंड में एक ऐसी पार्टी से मिलकर इस्लाम विरोधी गतिविधियां कर रहा था जिसका मकसद इस्लाम को हर हाल में बदनाम करना था। इस्लाम कबूल करने के बाद योराम ने कहा, मेरी पार्टी पीवीवी की पॉलिसी थी दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको किसी न किसी तरह इस्लाम से जोड़ा जाना चाहिए, मगर अब मेरा मन बदल चुका है। इस्लाम विरोधी टिप्पणियों के लिए दुनिया भर में सुर्खियों में रहने वाले योराम एक इस्लाम विरोधी किताब फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम इन द टाइम ऑफ टेरर के लिए रिसर्च कर रहे थे। किताब जारी होने से पहले ही उन्होंने पिछले साल 26 अक्टूबर को इस्लाम कबूल किया। 40 साल के डच राजनेता योराम ने इस्लाम कबूलने पर डच अखबारों को बताया, मेरा मन बदल गया है, मुझे लंबे समय से इसी की तलाश थी, ये मेरे लिए धार्मिक रूप से घर वापसी जैसा है। उन्होंने डच रेडियो से कहा, किताब लिखने के दौरान मैंने ऐसी ऐसी चीजें जानी जिससे इस्लाम के प्रति मेरे पुराने विचार लड़खड़ा गए। इस्लाम कबूलने के बाद एक इंटरव्यू में क्लावेरेन ने कहा, अगर आप मानते हैं भगवान सिर्फ एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, जैसे ईसा मसीह और मौजे, तो आप औपचारिक रूप से मुसलमान हैं। योराम ने कहा, धर्म बदलने पर उनकी पत्नी को कोई परेशानी नहीं, मेरी पत्नी इस बात को स्वीकार करती है कि मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। योराम डच संसद के निचले सदन में बरसों से इस्लाम के खिलाफ झंडा बुलंद करते रहे। दिन रात इस्लाम की आलोचना करने वाले योराम अब कहते हैं वो गलत थे। एक वेबसाइट के मुताबिक योराम मजहब बदलने वाले दूसरे पूर्व पीवीवी पॉलिटिशियन है। डच पीपल नीदरलैंड नागरिकों के जर्मनिक एथनिक ग्रुप के लोगों को कहा जाता है। ये लोग डच भाषा बोलते हैं और एक कॉमन कल्चर को मानते हैं। क्लावेरेन नीदरलैंड में गीट बिल्डर्स की पार्टी पीवीवी की ओर से 2010 से 2014 तक सांसद रहे। ये पार्टी दुनिया भर में इस्लाम विरोधी कामों के लिए जानी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रियल फ्लेवर न्यूज।